आजमगढ़ जिले के जियानपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन सिकरौरा गांव में मामूली कहासुनी को लेकर लाठी से पीटकर 16 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जियानपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां जमीन सिकरौरा गांव के रहने वाले शिव प्रसाद यादव अपने चचेरे भाई के साथ ब्रह्म भोजन पर गए थे। वापस लौटते समय गांव में ही उनकी बाइक बकरी से टकरा गई। इस बात को लेकर वहां मौजूद लड़कों से मृतक का विवाद हो गया। दोनों में हाथापाई के बाद आरोपी लड़कों ने लाठी से पीटकर शिव प्रसाद यादव को लहूलुहान कर दिया। जब तक लोग घायल किशोर को अस्पताल ले जाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस दर्ज कर आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। घटना लड़का गया था खाना होते रही खाने भोना बुजुर्ग में, उधर से लौट रहा था तो सिकरौरा गांव में खाना हुआ कि बकरी मतलब बनी थी उसी पर मतलब उसको हो गया इसी पर पकड़ करके उसको खाना हुआ कि अरुण पाठक और खाना हुआ कि प्रशांत पाठक ने मतलब कि उसको मार दिया जो कि लग गया वो नाम मर गया। तो पुलिस की डीएनए जारी अभी नहीं हुई है। तो कल शाम को गुधुनी मेला में एक लड़का था शिव कुमार यादव, उसकी एज करीब 18-19 साल है। ये दो लड़के बाइक से आ रहे थे, बीच में इनके गांव है सिकरौरा, वहाँ पे ये चूँकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थे तो लड़ गए बकरी से, बकरी को चोट लग गई और कुछ लड़के लोकल थे वहाँ पे, प्रशांत वगैरह थे, उन लोगों ने टोका इसको और इस पर सब में मारपीट हो गई। प्रशांत पाठक ने ही एक वहाँ बांस रखा हुआ था उसको उठा के सर पे मार दिया इसके, ये बेहोश हो गया। उसको उठा के हॉस्पिटल लेके लोग आए थे, बाद में उसकी मौत हो गई। और चूँकि दोनों ही लड़के आपस में बच्चे ही हैं दोनों ही, इसमें मुकदमा लिखे हम लोग आवश्यक कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। आजमगढ़ से रामशक्ल यादव की रिपोर्ट।